जिले के झंझारपुर के अरदिया संग्राम ओपी क्षेत्र में NH-57 पर आज अहले सुबह एक भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए, जिसमें एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। मरने वालों में एक महिला, एक युवक और एक 6 वर्ष की बच्ची शामिल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति की पटना में आयोजित बैठक में भाग लेकर फूलपरास के लौकही प्रखंड इकाई संघ के अध्यक्ष काजल कुमारी और फूलपरास प्रखंड इकाई संघ के कोषाध्यक्ष प्रमिला कुमारी एक टाटा सुमो वाहन से वापस लौट रहे थे। टाटा सुमो में लौकही प्रखंड आंगनबाड़ी संघ के अध्यक्ष काजल कुमारी के देवर गुंजेश्वर शाह और उनकी 6 वर्षीय पुत्री राधिका कुमारी भी सवार थी। पिपरौलिया मोड़ के समीप NH-57 पर एक ही दिशा में आगे जा रही भारी वाहन लोडेड ट्रक से टाटा सुमो वाहन टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हुई। ट्रक के साथ टाटा सुमो की टक्कर इतनी भयावह थी कि टाटा सुमो वाहन के परखच्चे उड़ गए। टाटा सुमो में सवार 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। टाटा सुमो के चालक सहित 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मरने वालों में फूलपरास प्रखंड के बथनाहा पंचायत की आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 1 की सेविका सापुल परास प्रखंड संघ की कोषाध्यक्ष 30 वर्षीय प्रमिला देवी, लौकही प्रखंड संघ के अध्यक्ष जीरा संघ की कोषाध्यक्ष गड़िया पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 48 की सेविका काजल कुमारी की 6 वर्षीय पुत्री राधिका कुमारी और 20 वर्षीय देवर गुंजेश्वर शाह शामिल है। वहीं सेविका काजल कुमारी गंभीर रूप से जख्मी है। प्राथमिक उपचार के बाद उसे DMCH रेफर कर दिया गया। जख्मी सेविका काजल कुमारी के पति राम बहादुर शाह ने बताया कि उनकी 2 महापुत्री है, जिसमें एक ही इस घटना में मौत हो चुकी है। मृतक देवर गुंजेश्वर शाह पटना में ही रहता है। पटना से गांव वापस आते समय देवर भी साथ हो गए थे, जिसकी घटना में मौत हो गई। वही घटना की तीसरी मौत की मृतका फूलपरास प्रखंड की बथाना पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 1 की सेविका प्रमिला देवी के बारे में पंचायत की मुखिया जीबच परसाला ने बताया कि वो पंचायत की सबसे कर्तव्यनिष्ठ आंगनबाड़ी सेविका थी। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण काल या अन्य बीमारियों के समय वह पूरी मुस्तैदी के साथ अपने पोषक क्षेत्र में काम करती थी। समाज सेवा में महत्वपूर्ण योगदान करने वाली सेविका की मौत पर पंचायत की मुखिया ने गहरा शोक जताया। मृतका की 3 संतानें हैं। घटना के बाद सूचना मिलते ही अरविया संग्राम पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर सभी को पुलिस वाहन से अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया। परिजनों को सूचना दी गई। 3 मृतकों के शव को अपने कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। मामूली रूप से जख्मी टाटा सुमो के चालक मुकेश कुमार यादव को पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है। ट्रक को भी अरविया संग्राम ओपी पुलिस ने जब्त कर लिया है। मधुबनी से आलोक कुमार की